गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार करने वाला मामला भागलपुर से सामने आया है, जिसके बाद छात्राएं, उनके परिजन और स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और शिक्षक को सलाखों के पीछे पहुंचाए जाने और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। मामला भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के मिर्जापुर मध्य विद्यालय का है, जहाँ की क्लास 5 और 6 की छात्राओं ने विज्ञान के शिक्षक अविनाश के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचे अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षक के इस काली करतूत को जहां शर्मसार करने वाला बताते हुए तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए तुरंत शिक्षक को विद्यालय से हटाए जाने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले पर मासूम नाबालिग स्कूली छात्राओं ने बताया कि शिक्षक अविनाश कुमार के द्वारा विज्ञान की पढ़ाई के समय गंदी गंदी बातें की जाती हैं और छात्राओं के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। ऐसे शिक्षक को स्कूल से बाहर करना चाहिए। स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार ने बताया कि स्कूल के शिक्षक अविनाश कुमार द्वारा विज्ञान की पढ़ाई के समय कक्षा 5-6 के छात्राओं को स्तनपान की पढ़ाई कराई जा रही थी, जिसके बाद स्तनपान को अभद्र शब्द बताते हुए छात्राओं एवं अभिभावक के द्वारा हंगामा करते हुए शिक्षक अविनाश कुमार को हटाने की मांग की गई है। इसके लिए अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। वहीं शिक्षक अविनाश कुमार स्कूल छोड़कर फरार हो गए हैं। मामला क्या हुआ था? हमारे स्कूल का एक टीचर है, बच्चे को जो 5वीं क्लास के बच्चे को ऐसे शिक्षा दे रहा था जो कि पढ़ के भी कोई भी संसार हो जाए। बस हमारी गवर्नमेंट की यही एक गुजारिश है कि जो अविनाश को इस स्कूल से हटाया जाए। मूल विद्यालय का उनका गलत जो करता है, मतलब बच्चे लोग के साथ गलत व्यवहार करता है, इसी कारण जो है हम का सब लोग बंद करना चाहते हैं। जो यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए तो गलत गलत बात यहाँ करते हैं बच्चे और के साथ, गलत शिक्षा देते हैं। उसके बाद की मतलब दूसरा दूसरा ढंग का बात बोलने लगते हैं, गंदा गंदा बात बताते हैं बच्चे सबको, गंदा पढ़ाई गलत तरीके से पढ़ाई करता है। और किस तरह का शिक्षक का व्यवहार किस तरह का है? गलत है, गंदा वाला बात बोलते हैं हमेशा। बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं वो? बहुत बुरी तरकीब से करते हैं। बच्चा सब डर से घर में बोलते नहीं है, जा करके गार्जियन को वो डरा देते हैं कि बोलना नहीं है तुमको, यदि बोलोगी तो फिर मारेंगे, स्कूल आओगी तो। बच्चे आपको बदन छू लेते हैं, कलेजा पे ओढ़नी हटा देते हैं, यही सब बात बोलते हैं। क्या नाम है शिक्षक का? अविनाश सर। क्या कहा? अविनाश सर बोल रहे थे। हाँ जी। मम्मी के बारे में और भाई सब के बारे में, बहन सब के बारे में ये सब गंदा गंदा शब्द बता रहे थे। अच्छा अच्छा। और भी कुछ तुम लोगों के साथ भी क्या है? हाँ, टच करते हैं, ब्रेंच में बैठ जाते हैं और कुर्सी रहते हैं। बहुत गंदा गंदा सब सर पढ़ा रहे थे विज्ञान से। जी जी, क्या पढ़ा रहे थे? सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत गंदा गंदा सब वर्ड लिखा रहे थे और पढ़ा रहे थे। कौन? अविनाश सर। अविनाश सर, अविनाश सर यही लोग यही सब पढ़ाते थे। हाँ, यही सब जो एक किताब से देख लें, एक लाइन पढ़ लें, उसके बाद वो किताब हटका, किताब से बाहर हो गए। क्या तो, क्लास में भी गंदी हरकतें करते थे क्या? ये सब हम नहीं जानते। बोलो बेटा, कोई डरो नहीं, डरो नहीं, जो करते थे बीच में बैठ के। यस सर। अभद्र व्यवहार करते थे बीच से बैठ के, लड़की सबका हाथ उठ छूने लगते थे। बोला कौन सा सर है? अविनाश सर। क्या करते थे? बैठते थे ना, मैं किताब वाला पढ़ने पढ़े ना, सब सुने छूने लगा ना, अवैध व्यवहार करते थे। ये मामला था, इसके पहले भी अविनाश कुमार करके टीचर हैं सामने मिडिल स्कूल, वहाँ पे वो लड़कियों के साथ उनका व्यवहार पहले भी अच्छा नहीं रहा है, ग्रामीण का जो शिकायत आया था यहाँ पे, फिर दोबारा 3 साल बाद फिर उनका यही घटना यहाँ पे आया है और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि हाथ टच करना, ओढ़नी हटाना, लड़कियों के बीच बैठ के उसके साथ गंदी गंदी बातें करना, उनका ये क्लास को बंद करके, सबसे बड़ी बात ये इतना घिनौना काम ये किए कि पूरा ग्रामीण क्लास के बच्चे के साथ आज ये लग 5-6 के बच्चों के साथ, 10 से 12 साल की लड़कियों के साथ ये व्यवहार था उनका। और इस पे कड़ा विरोध, ये गांव वाले का कड़ा ही ये विरोध है, प्रकट हुआ है, इसलिए कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर, इसको यहाँ से हटाया जाए। हाँ, हटाना चाहिए और आवश्यक जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो अभी तुरंत ऐसे की है, जब झमेला हो गया तब हम आए हैं अभी। जी जी। तो हमको नहीं पता आगे क्या हुआ। हाँ। मास्टर है, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इसमें जो अगर
पढ़ाया गया कुछ गलत अर्थ लगा लो तो अलग बात है जी जी जी, लेकिन वैसे सेंस तो मास्टर किसी को नहीं पढ़ाते हैं जी जी, तो भाई इसका सेंस गलत है। अब विद्यार्थी जो है कोई दूसरा आदमी आके फाड़ के ले गया, वो आज ग्रामीण के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया गया, आखिर इसका वजह क्या था और उनकी मांगे क्या थी? मांग तो हम नहीं थे उससे, मांग तो बच्चे को जो पढ़ाया गया कि उसको जो है गलत अर्थ लगा के जो है दो चार दस तो ग्रामीण को बोला के हम मांग करने लगा, यही मास्टर को ट्रांसफर करो, मास्टर का ट्रांसफर की मांग करें, यही बात लेके जो लेके हो रहा था सर। तो पढ़ाई करने बात में कुछ नहीं हुआ विद्यालय जी जी, बच्चे को पढ़ाया गया घर गई है, बच्चे ने सब देखा तो गार्जियन ने सब देखा तो कौन सर पढ़ा रहे थे? अविनाश सर। किस क्लास में? 5-6 में। उसमें अभद्र व्यवहार हुआ है? व्यवहार अभद्र नहीं हुआ, और मर्यादित सब जरा सा होना चाहिए, सब का यूज नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आज क्या हुआ सर? आज तक आज ग्रामीण सब आया कि सर ऐसा ऐसा बताया गया बच्चे को, हमने समझाया कि देखिए बताने के क्रम बताया तो गया सिलेबस का है, लेकिन थोड़ा सा अभद्र शब्द का प्रयोग हो गया, वो नहीं होना चाहिए, बोल आप सर को समझा देंगे। तो चले गए ग्रामीण चले गए, उनका हुआ कि नहीं इनको यहाँ से हटाइए और हटाने की मांग करें, हटाने की मांग करें। भागलपुर में चार बच्चे की मां के सर प्रेम का बुखार चढ़ गया और फिर ग्राम कचहरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गनगनिया में एक पति ने पत्नी की खुशी के लिए उसको अपने प्रेमी के साथ विदा कर 7 जन्मों का वादा वापस ले लिया। गनगनिया के ग्राम कचहरी में ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। श्रवण ने पत्नी पूजा को उसके प्रेमी के साथ न्यायिक प्रक्रिया पूरा करवा कर शादी करवा दी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद दिखे। बताया जा रहा है कि 2012 में श्रवण की शादी बांका के फुल्ली डूमर में पूजा से हुई थी, जिसके बाद पूजा ससुराल आई और यहाँ उसकी मुलाकात छोटू से हुई, जिसके बाद दोनों में इश्क हुआ और ये इश्क परवान चढ़ गया। इधर श्रवण और पूजा के 4 बच्चे हुए तो उधर छोटू और पूजा में प्रेम प्रसंग चलता रहा। कल ग्राम कचहरी में कागजी प्रक्रिया के साथ पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। भागलपुर पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए एक महीने में कुल 21 वाहनों को बरामद किया है। साथ ही 3 वांटेड बाइक चोर जो बिहार के कई जिलों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं उसे भी गिरफ्तार किया है। CTSP स्वर्ण प्रभात ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रूपेश कुमार और राहुल कुमार जबकि सबौर के आशीष को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की बाइक के साथ सभी को गिरफ्तार किया गया है। ततारपुर थाना क्षेत्र से 3, सबौर से 1, बबरगंज 4, विश्वविद्यालय से 1, जोगसर से 1, घोगा थाना क्षेत्र से 1, तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 1 और 24 घंटे में शहर में कुल 7 बाइक बरामद की गई है। शहर में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, आप पत्रकार महोदय के द्वारा भी इस मामले को हम लोगों के नोटिस में लाया गया था। इसके लिए एक पूरे शहर के जितने भी थाना अध्यक्ष हैं इनकी एक टीम बनाई गई थी कि बाइक चोरों पर हम लोग काम करें, और इसी क्रम में पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक की बरामदगी की गई है और 17 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के हाथ, जिसमें से एक गैंग का उद्भेदन किया गया है। उनके पास से करीब 7 बाइक महंगी बाइकों का को रिकवर किया गया है। ये तीनों लड़के अलग अलग जिलों से बाइक चोरी कर भागलपुर में बेचा करते थे और भागलपुर से भी कुछ बाइक चोरी कर दूसरे जिलों में बेचा करते थे। अलग अलग जगहों से इन बाइक को बरामद किया गया है। कुल करीब 7 बाइक हैं, 3 गिरफ्तारी है, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले एक महीने में कुल 21 बाइक को बरामद किया गया है, सभी चोरी की बाइक हैं और इस इनमें संलिप्त 17 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन तीनों का नाम। एक तरफ पूरे देश में पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर 3 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी और अपने सहयोगी के साथ मिलकर अवैध संबंध में रुकावट बन रहे अपने पति को मौत की घाट उतार दिया। मामला भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के एक चारी थाना क्षेत्र की छोटी चटैया गाँव की है, जहाँ 3 बच्चे की माँ 30 वर्षीय पुतुल देवी ने अपने प्रेमी सोनेलाल मंडल और उसके सहयोगी सुरेश मंडल के साथ मिलकर बासा पर सोए अपने पति शोभा मंडल को धारदार हथियार से मौत की नींद सुला दिया।
ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से परहेज करते हुए बताया कि हत्या का मुख्य कारण सोनेलाल मंडल का मृतक शोभा मंडल की पत्नी पुतुल देवी से 10 वर्षों से अवैध संबंध था, जिसको लेकर गांव में पंचायती भी हुई थी। मृतक को एक लड़की और दो लड़का है। मामले को लेकर एकचारी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी पुतुल देवी को गिरफ्तार कर लिया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। ये जो मृतक है तो की नाम होले? शंभू मंडल। कैसा कैसा कहाँ कैसा होले मरे? बस आप ककरो झगड़ो छले? कखनी जानले तो उसने? हमने बिहान कर दिया। बिहान कर दिया। और मम्मी? भाई बहन छे? तीन भाई। तो बड़ो छे? भाई कै गो छे? दो। दो। बिहार में शराबबंदी लागू है, उसके बावजूद भी लगातार शराब का सेवन करते हुए अक्सर कई वीडियो देखने को मिलता है। इसी क्रम में भागलपुर में इस बार एक चौकीदार का शराब के नशे में धुत होकर वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसी पूर्व बाराहाट के चौकीदार जोगिंदर दास का वीडियो है, जिसमें वो शराब के नशे में धुत होकर बरमसिया मोहल्ले में गिर गया था। इसके बाद वहां कुछ लोगों ने पहले उठाकर बैठाया और जब उससे बातचीत की तो वो अपने आप को इसी पूर्व बाराहाट थाने का चौकीदार बताया। एक तरफ सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग शराबबंदी सख्ती से लागू करने को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद चौकीदार ही जब शराब के नशे में धुत हो तो समझा जा सकता है कि शराबबंदी किस तरह से लागू हो रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जीवंदर चौकीदार। कहाँ घर है आपका? इसी पूर्व बाराहाट घर है और आप चौकीदार हैं? कौन से थाना के चौकीदार हैं आप? अभी आप कहाँ पे हैं, आपको पता है ये बात? अरे जो पता है तो ये बात, आप बरमसिया में हैं और अभी आप बेहोश हो गए थे, यहाँ पे हुए थे ना? अरे भैया हम कैसे तो ही जान। आपको घर जाना है ना? कैसे जाइएगा घर? आप पहुंचा दे आपको घर? हाँ। घर कहाँ है आपका? इसीपुर बाराहाट। वो तो थाना पड़ता है आपका, लेकिन घर पूछ रहे, घर कहाँ है? नहीं हम थाना जाना है। नाम क्या बताया अपना? इसीपुर बाराहाट। नाम नाम आपका नाम क्या है? जोगिंदर दास। जोगिंदर दास, अच्छा। बिहार जदयू द्वारा भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए नौगछिया अनुमंडल परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। जदयू विधायक गोपाल मंडल, एमएलसी विजय कुमार सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरने पर बैठ भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अति पिछड़ों का समर्थन किया। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अति पिछड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी शासन करते हैं। रैलियों में अति पिछड़ा जाते हैं और अति पिछड़ा का ही आरक्षण लिया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। हम लाठी उठाने वाले नहीं हैं, महात्मा गांधी के स्टाइल में धरना दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया और भाजपा ने अफवाह फैलाया है। सत्ता से हटने के बाद लूट बंद हुई है और भाजपा बौखला गई है। उन्होंने कहा, हम सचेतक हैं और अति पिछड़ा के मंत्री ही हैं। ठगने के लिए विभाग नहीं मिला है, हम मंत्री ही हैं। अति पिछड़े पर शासन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अति पिछड़े के बल पर शासन कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी जी, सब अति पिछड़े के बल पर। और जहाँ भी रैली होती है तो अति पिछड़ा के लोग ही भरने का काम करता है, सब काम अति पिछड़ा से होता है। और अति पिछड़े का आरक्षण ले रहा है तो ये ले रहा है, वो ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भरपूर इसका विरोध करता हूँ। किस तरह से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ रहे हैं, देखने रहे हैं कैसी लड़ाई लड़ रही है। धरना के माध्यम से महात्मा गांधी की स्टाइल में लड़ा, लाठी डांग थोड़ो हम लोग उठाने वाले हैं। हम लोग सत्ताधारी पक्ष के लोग, अति पिछड़ा सजग है। ऐसे देश में राज थोड़ा तो पिछड़ा पर चल रहा है, राज्य में सब कुछ में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह सब मुँह फैलाया है, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। मात्र भारतीय जनता पार्टी बच गई है बिहार में, बाकी सभी पार्टी एक साथ है। भाजपा तो कह रही नीतीश कुमार ही अति पिछड़ा विरोधी है। अति पिछड़ा विरोधी आरक्षण दिया थी नीतीश कुमार ने, विरोधी है हो गया, वह अफवाह फैलाता है।
नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए। सत्ता से हटने के बाद लूटने का जो काम था, सत्ता से हटने के बाद वो बौखला गया। अरे अति पिछड़ा का सचेतक है ना भाई, इन लोग तो मंत्री बनना चाह रहे थे, मंत्री है, विभाग नहीं मिला। अरे ठगने वाला चीज नहीं मिला है, बाकी हर फैसिलिटी है। मंत्री है जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण 2006-07 से दिया गया था, उसे भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश रच करके उस आरक्षण को ख़त्म करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं। इसीलिए आज का एक दिवसीय धरना हम लोग जागरूकता के लिए लोगों के बीच सभी जिला में सभी अनुमंडल कार्यालय में रखने का हम लोगों ने काम किया है। आप जानते हैं कि आरएसएस के द्वारा बहुत लंबे समय से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी तक के द्वारा यह बयान आ चुका था कि आरक्षण देश में ख़त्म करना है। आरक्षण की व्यवस्था गरीब गुरुओं को समाज में ऊपर लाने के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत सुनियोजित तरीके से उसे आगे बढ़ाने का एक प्रयास था। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए एक लंबी लकीर इसमें खींची गई और 2006-07 से उन्होंने आरक्षण दिया और उसके तहत पंचायती राज और नगर परिषद का चुनाव भी उन्होंने कराया। आप जानते हैं 3 बार चुनाव सम्पन्न भी हो चुका है नगर अथी के पंचायत का। नगर परिषद के चुनाव में अभी हाईकोर्ट से कुछ आदेश आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। उससे हम लोग भयभीत हैं कि ये लोग साजिश रच रहा है कि कहीं आरक्षण अति पिछड़ों जो दिया गया है इसे ख़त्म न कर दिया है। इसलिए हम लोग सचेत हैं, सतर्क हैं, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि इसके लिए हम लोग की जो भी आंदोलन करना पड़े यहाँ से देश पैमाने पर, हम लोग जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग उसे करेंगे और आरक्षण अति पिछड़ों को जो दिया गया इसे यथावत रखा जाएगा। सरकार से स्तर से भी सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को पुनः रखा गया है और इसी के लिए आप जानते हैं कि इसी के लिए जातीय जनगणना भी कराई जा रही है, क्योंकि जातीय जनगणना करा करके भी इसे अस्थायी रूप से उसे लागू रखने पर व्यवस्था रख बनाई जाए। आरक्षण कब किसने दिया? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की कभी राज्य में सरकार तो रही नहीं, कब उन्होंने दिया आरक्षण? आरक्षण तो जो भी दिया वो तो नीतीश कुमार जी ने दिया ना 16 वर्षों के दरमियान। भारतीय जनता पार्टी ने कब आरक्षण किसको कहाँ दिया? कभी सरकार में रही ही नहीं राज्य में। सरकार में तो जनता दल यूनाइटेड रही है, उन्होंने नहीं दिया ना, नीतीश कुमार जी ने आरक्षण लागू कराया। अति पिछड़ों को बताया जा रहा है नीतीश कुमार को, कैसे अति पिछड़ों को विरोधी? उससे बड़ा अति पिछड़ा का समर्थक कौन हो सकता है? इस देश में उतने बड़ा समर्थक कोई नहीं हो। आप जानते हैं अति पिछड़ों को जितने भी सेक्टर में जित। भागलपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ एवं समाजसेवी डॉक्टर अजय कुमार सिंह को भारत सरकार के उपक्रम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह पूर्वी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नवजात शिशु एवं बच्चों के इलाज में नई ऊंचाई दे रहे हैं। अंग क्षेत्र का पहला नवजात शिशु ICU की शुरुआत भी उन्होंने की, वहीं सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपदा संबंधित कार्यक्रम जैसे सड़क दुर्घटना, जल दुर्घटना, संतुलन से बचाव एवं मदद कार्यक्रम में लगातार बढ़ चढ़कर इनकी संस्था हिस्सा लेती है। जीवन जागृति सोसाइटी के सभी सदस्यों ने डॉक्टर अजय सिंह को भारत सरकार के उपक्रम FCI में सलाहकार समिति के सदस्य बनने पर बुके एवं फूल माला देकर सम्मानित किया। हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमें FCI का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया है और हमें बिहार का चार्ज भी दिया गया है। बिहार में जो सदस्यगण होते हैं सलाहकार समिति के, उसको हमको बिहार शाखा में दिया गया है। इस अवसर पर हमें इतना कहना है कि हमने जो काम किया है सोसाइटी के लिए, जनता के लिए, उसी का नतीजा है कि उसी के एवज में हमें सेलेक्ट किया गया। इसमें जो भी हमने नॉमिनेशन किया और हमें उसको दिया गया यह पोस्ट, तो यह किसानों का मामला है, आम जनता का मामला है, गरीबों का मामला है और इसमें जो खाद्यान्न जो होता है उसका रख रखाव परिवहन के द्वारा ढोने का, उसको ख़राब होने का और डिस्ट्रीब्यूशन सारे सिस्टम पर जो भी कार्य होते हैं उस पर सलाहकार बैठ कर इसको मंत्रणा करते हैं कि किस तरह से कम क्षति हो और लाभांश जो है उसका लाभुक को मैक्सिमम मिल सके और सुचित रूप से, सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से वह सुविधा मिल सके। तो हमें बहुत खुशी है, मैं
सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसमें से हमारे मित्रगण हैं, सोसाइटी के सदस्य हैं, शुभेच्छु हैं, मीडिया के लोग हैं, तो सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो जिन्होंने हमें लगातार प्रोत्साहित किया हमारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए, और हम निरंतर कार्य करते रहे अपने चिकित्सा सेवा के बावजूद, तो उसी का परिणाम है। और हमें खुशी है कि इस संबंध में भंडारण से लेके लोगों तक अनाज पहुंचने में हमारा राय लिया जाएगा, और हमारी जो कुछ सोच है इस संबंध में वो आगे हम लोग बता सकेंगे, और हो सकता है कि कुछ नए तरह का उसमें हम बदलाव करा पाने में सक्षम होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा डॉक्टर अजय सर को भारतीय खाद्य निगम में सलाहकार मनोनीत होने पर। और ये मतलब बहुत कम मतलब लोग जानते होंगे भागलपुर में, बहुत कम ही लोग ऐसा मतलब नहीं जानते होंगे भागलपुर में कि सर ने जो भी बदलाव किए हैं या जो भी जीवन सुरक्षा को लेकर सोसाइटी के अंतर्गत जो भी काम हुआ है भागलपुर में, ये सबको पता है किस तरह के काम हुए हैं। अच्छा लगता है और ये उसी का नतीजा है कि आज ये पद सर को मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इससे, और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप लोग खुद देखते होंगे या आप लोगों ने इसका मतलब रिपोर्टिंग भी किया होगा कभी ना कभी, आपने देखा होगा कई टन अनाज सड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि सही सलाह दे सकें कि भाई इनका भंडारण कैसे होना चाहिए, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना चाहिए, इनका और जो मतलब चीज़ें हैं इसके अंतर्गत वो सब चीज़ें किस तरह से सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो ये एक ज़रूर पॉजिटिव वे में जाएगा जब सर को ये पदवी मिला है, तो जो ये सब चीज़ें हो बर्बादी हो रही थी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, इसके अंतर्गत जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा था वो सब काफ़ी हद तक रुकेगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा।